हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं दोस्तों। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स की, ठीक है। इससे पहले हमने दो वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, ठीक है ना, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। अगर वो आपने नहीं देखा है अभी तक तो प्लीज़ उसको देख लीजिए, क्योंकि उसमें हमने डिस्कस किया था सिंपल कॉन्सेप्ट पे जो क्वेश्चंस थे, जिसमें आपको बस फॉर्मूले पुट अप करने थे, ठीक ना, और उसके बाद उसको सॉल्व करना था। अगर वो वीडियो अगर देख लेते हैं आप, तो आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और आपको थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रेज मिलेगा कि किस तरीके से हम न्यूमेरिकल्स को इजीएस्ट वे में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। ज़्यादा टफ नहीं होता फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स, बहुत सिंपल होता है और बहुत ही कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, जिससे आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा देना, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। और हाँ, न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीखने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना, कहीं इसको शुरू में आप स्किप मत कर देना, क्योंकि इसमें आज हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं और सीखेंगे कि किस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाता है। एक एक पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, किस न्यूमेरिकल में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, क्या है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, वो सारी चीज़ें आपके साथ आज शेयर मैं करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, ठीक ना। आज के वीडियो का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है 31st, और आज का फर्स्ट क्वेश्चन, दो वैद्युत आवेश Q1 तथा Q2 परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखे हैं, उनका योग 20 माइक्रोकूलम है, यदि ये एक दूसरे को 0.075 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करते हो तो प्रत्येक आवेश का परिमाण क्या होगा, ये निकालना है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले Q1 Q2 आवेश दे रखा है, 3 मीटर की दूरी पर दे रखा है, उनके बीच लगने वाला बल दे रखा है, ठीक, और उनका योग दे रखा है 20 माइक्रोकूलम। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या क्या दे रखा है, Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 20 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं कि Q1 का जो वैल्यू है वो क्यू है, तो Q2 का वैल्यू जाएगा 20 माइनस क्यू, कितना जाएगा 20 माइनस क्यू, क्लियर है। चलिए अब इनके बीच की जो दूरी है, दूरी R बराबर दे रखा है 3 मीटर, और इनके बीच लगने वाला जो प्रतिकर्षण बल है F बराबर 0.075 न्यूटन, ठीक है। चलिए अब यहां पे बल की बात कर रहे हैं, तो बल का मतलब बल निकालने के लिए हम यूज करते हैं कूलम का नियम, तो यहां पे जायज सी बात है हम फॉर्मूला यूज करेंगे कूलम के नियम का। तो बल F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, Q1 प्लस Q2 बाय आर स्क्वायर। देखिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे, F का 0.075 इंटू 9 × 10⁻⁹, इसका पूरा वैल्यू हो जाएगा, Q1 का वैल्यू है Q और Q2 का वैल्यू 20 माइनस क्यू, डिवाइडेड बाय आर का वैल्यू 3 मीटर, तो 3 का स्क्वायर। देखिए 3 का स्क्वायर कितना जाएगा 9, ठीक ना, और 9 से 9 हमारा कैंसल आउट हो जाएगा और ये बचेगा हमारा 0.075 × 10⁹, और क्यू का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 क्यू माइनस क्यू का स्क्वायर, क्लियर है। चलिए अब यहां पे हम बात करते हैं किसकी, आवेश की। देखिए यहां पे जो आवेश है वो माइक्रोकूलम में दे रखा है, किस में दे रखा है, माइक्रो कूलम। तो जब हम वैल्यू फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो इसका मतलब वैल्यू जो है वो किस में सब्स्टिट्यूट होना चाहिए, कूलम में होना चाहिए। तो क्यू माइक्रो कूलम और ये 20 माइनस क्यू माइक्रो कूलम, तो ये माइक्रो स्क्वायर कूलम का स्क्वायर हो जाएगा, माइक्रो स्क्वायर कूलम का स्क्वायर, ठीक है ना। तो माइक्रो स्क्वायर हो जाएगा 10⁻½, क्योंकि माइनस का 6 × -6 तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन मीटर स्क्वायर, ठीक ना। और इसका वैल्यू, इसका यूनिट रख देते हैं हम, ठीक है, तो इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर। तो कूलम स्क्वायर से कूलम स्क्वायर कैंसिल, मीटर स्क्वायर से मीटर का स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा हमारा न्यूटन। फोर्स भी न्यूटन है, ये भी न्यूटन है, ये इक्वल हो गया। अच्छा 0.075 इक्वल टू 10^9। देखिए 20 q माइनस q स्क्वायर, 12 में से 9 घटा देंगे तो 10^3 बचेगा माइनस का 3। 10^-3 को इधर भेज देते हैं तो ये माइनस का पावर इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो 20 q माइनस q स्क्वायर इक्वल टू 0.075 इंटू 10^3, क्योंकि इंटू में इधर आके डिवाइड में जाएगा, जब डिवाइड में जाएगा ऊपर चला जाएगा तो पावर क्या जाएगा माइनस का कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। क्लियर है? 10^3 का मतलब कितना, 1000। लिख देता हूँ मैं आपको, 0.75 इंटू 1000, 1000 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 75। 20 q माइनस q स्क्वायर, इसको उठा के इधर ले जाते हैं तो q स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, माइनस का 20 q और प्लस का 75 इक्वल टू 0। अच्छा अब यहाँ पे 75 कैसे फैक्टर करना है कि एड या सब्ट्रैक्ट करने पे कितना है 20, तो 15, 5 जो होता है 75 और 15 प्लस 5 इक्वल टू होता है आपका 20। तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू स्क्वायर माइनस का 20 है तो माइनस का 15 q माइनस का 5 q और प्लस का 75 इक्वल टू 0। आई होप आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता है। देखिए क्यू कॉमन ले लेंगे तो क्यू माइनस का 15 और माइनस का 5 कॉमन ले लेंगे तो क्यू माइनस का 15 इक्वल टू 0। क्लियर? इज इट क्लियर? नाउ q माइनस 15 कॉमन आ जाएगा और q माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहां से q इक्वल टू, देखिए इसके बराबर 0 रखेंगे तो यहां से आ जाएगा 15 और यहां से 0 रखेंगे तो यहां से आ जाएगा 5। तो q इक्वल टू 15 और 5, तो q1 इक्वल टू हो जाएगा 5 माइक्रो कूलम और q2 इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी q1 इक्वल टू हो जाएगा 15 माइक्रो कूलम और q2 इक्वल टू हो जाएगा 5 माइक्रो कूलम। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा q1 एंड Q2 का। क्लियर? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट भी था ठीक ना, और इंटरेस्टिंग भी था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 32, दो समान परिमाण के आवेश एक दूसरे से, समान परिमाण, दोनों का परिमाण कैसा समान है, परिमाण के आवेश एक दूसरे से 2 न्यूटन का बल अर्पित करते हैं एक दूसरे पर, ये 2 न्यूटन का बल लगाते हैं, इनके बीच की दूरी 0.5 मीटर कम कर देने पर उनके मध्य बल 18 न्यूटन हो जाता है। मतलब अगर दूरी को क्या करेंगे 0.5 मीटर कम कर देते हैं तो बल जो है वो आपका 18 न्यूटन का हो जाता है। तो ज्ञात कीजिए आवेशों के बीच की प्रारंभिक दूरी और प्रत्येक आवेश का परिमाण। अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले दे रखा है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है कि Q1 और Q2 जो है आपस में बराबर हैं, तो Q1 बराबर Q2 और बराबर हम इसको मान लेते हैं Q, मान लेते हैं दूरी, मान लेते हैं कितना है R है, तो दोनों के बीच बल F बराबर होगा 2 न्यूटन, दे रखा है क्वेश्चन में ठीक है ना, 2 न्यूटन का बल लग रहा है। अच्छा बल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ठीक ना Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए Q1 Q2 दोनों का वैल्यू Q है तो Q इंटू क्यू क्यू स्क्वायर बाय R स्क्वायर, और F का वैल्यू कितना रखा है 2 न्यूटन, तो 2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये इसकी प्रारंभिक दूरी है ठीक है, ऐसी दूरी है प्रारंभिक दूरी। चलिए सेकंड केस, केस सेकंड में दे रखा है यदि दूरी 0.5 मीटर घटा दी जाए, दूरी घटा दी जाए तो बल जो है एफ डैश इक्वल हो जाता है 80 न्यूटन, एफ डैश इक्वल हो जाता है 80 न्यूटन। और दूसरी चीज यहां पे दूरी जो हो जाएगा न्यू दूरी आर डैश इक्वल टू आर माइनस 0.5 मीटर अंतिम दूरी,
इसको दे देते नाम अंतिम दूरी आर डैश, बराबर आर में से 0.5 मीटर क्या कर देंगे, कम कर देंगे, घटा देंगे, तो दूरी हो जाएगा आर माइनस 0.5 मीटर। क्लियर। चलिए अब अगर बल की बात करेंगे तो एफ डैश इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर, देखिए क्यू वन क्यू टू, क्यू वन और क्यू टू के वैल्यू कितना है, क्यू है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्यू वन इंटू क्यू टू की जगह लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बटे आर डैश का स्क्वायर। एफ डैश इक्वल टू 80 न्यूटन इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर डैश, तो आर माइनस 0.5 का स्क्वायर, ठीक है, आर माइनस 0.5 का स्क्वायर। देखिए ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड, समीकरण एक और समीकरण दो को क्या कर देते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं, तो यहां पे लिखेंगे समीकरण एक डिवाइडेड बाय समीकरण दो। तो देखिए समीकरण एक हमारे पास 2 और समीकरण 2 है 18, यहां पे वैल्यू दे रखा है 18, 2/18 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय आर माइनस 0.5 का स्क्वायर। देखिए इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 1/9 इक्वल टू, इसका वैल्यू ऊपर जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और आर नीचे जाएगा, तो आर माइनस 0.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहां पर जाएगा आर का स्क्वायर। क्लियर है, इज इट क्लियर? नाउ 1/3 का स्क्वायर लिख सकता हूं, उसको मैं 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं, इक्वल टू आर माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय आर का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर है तो दोनों का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/3 इक्वल टू आर माइनस 0.5 बाय आर। क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर का 1 से मल्टीप्लाई होगा, आर 3 का इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 3 आर माइनस का 1.5, क्योंकि 1.5 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बचता है 15, तो 1.5, तो 1.5 को इधर ले आएंगे तो वही प्लस का हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो 3R माइनस R, 3R में से R सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जाएगा 2R 1.5, तो यहां से R इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1.5/2, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 0.75 मीटर, तो R इक्वल टू कितना था 0.75 मीटर, तो हम इसको लिख सकते 75 सेंटीमीटर। अगर इसको सेंटीमीटर में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे 75 सेंटीमीटर। तो ये तो आ गया हमारा प्रारंभिक दूरी। नेक्स्ट हमें निकालना है कि प्रत्येक आवेश का परिमाण कितना है, तो आवेश का परिमाण निकालते हैं, तो R का मान उठा के हम समीकरण नंबर एक में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं समीकरण नंबर एक से। यहां पे देखेंगे तो लिखेंगे R का मान समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक में रखेंगे तो 2 बराबर, देखिए समीकरण नंबर ये 2 है, 2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, आर का वैल्यू है 0.75 का स्क्वायर। इज इट क्लियर? नाउ क्यू स्क्वायर अब वैल्यू रख देते हैं, तो क्यू इक्वल टू इसका वैल्यू हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.75 का स्क्वायर। देखिए इसका तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 × 0.75 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये इसके डिवाइड में जाएगा तो 9 × 10⁻⁹ इक्वल टू कितना क्यू स्क्वायर, तो यहां से क्यू स्क्वायर इक्वल सॉरी क्यू इक्वल टू हो जाएगा √2 × 0.75 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर, 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁹, तो इसको हम लिख सकते हैं 10⁴ का स्क्वायर 4 × 8 × 10, ठीक है, तो 4 × 8 और 1 कितना जाएगा 9, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारा कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। देखिए जो वाले जो स्क्वायर में है तो वो तो आ जाएगा बाहर, तो 0.75 डिवाइडेड बाय 3 × 10⁴, क्योंकि इसका स्क्वायर है 4, और 2 से 5 को डिवाइड 10 को डिवाइड करेंगे तो 1/5 का रूट, ठीक है, रूट 5 का वैल्यू कितना होता है
इसे इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये जाएगा 0.3 × 6, बचा कितना 1, 15, तो 25 गुणा 10 की घात माइनस का 4 डिवाइडेड बाय √5। चाहो तो आप यहाँ यही आंसर छोड़ सकते हो या √5 का वैल्यू रख के इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान आएगा 11.21 माइक्रो कूलम। यही तक छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यार आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा 11.21 माइक्रो कूलम। ठीक है, कैसे आएगा वो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। देखिए 25 डेसिमल को उठा के यहाँ ले आते हैं, 10 की घात 6 हो जाएगा, तो 25/√5 × 10 की घात कितना जाएगा, ये माइनस का 6, इसको डिवाइड करेंगे तो 5/5 × 10 की घात माइनस का 6 कूलम, तो 10 की घात माइनस 6 माइक्रो में कन्वर्ट हो जाएगा। √5 का वैल्यू 2.31 कुछ समथिंग होता है, उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? इज इट क्लियर नाउ? अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दो वीडियो को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 34 बुक अकॉर्डिंग, उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो एक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली पानी की बूंद जिस पर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है वायु में स्थिर लटका सके। ठीक है ना, जी का वैल्यू दे रखा है, डी दे रखा है, डी यहाँ पे पानी का घनत्व है और ई इलेक्ट्रॉन पे आवेश है, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो सेम क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, सेम इसी के तरीके क्वेश्चन हमने उसमें सॉल्व किया है। अगर आपने देखा है वीडियो तो आपको पता है कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो मैं यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, बस थोड़ा सा हिंट दूंगा ठीक ना, ताकि आप इस क्वेश्चन को कर सकें। चलिए देखिए थोड़ा सा हिंट मैं देता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन करने का, किस तरीके से करना है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन थर्ड की, तो देखेंगे तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये ऊपर की तरफ मान लेते हैं, ठीक, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर एक पानी की बूंद है, इसका द्रव्यमान m है, तो बाहर नीचे की तरफ काम करेगा, ऊपर क्योंकि इस पे q चार्ज है तो ऊपर एक फोर्स लगेगा क्यू ई, और संतुलन की अवस्था में लटका हुआ है तो इसलिए क्यू ई इक्वल टू हो जाएगा एम जी, तो यहां से हमें ई निकालना है तो एम जी अपॉन क्यू। ठीक है ना, एम निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे रो इंटू वी, घनत्व इंटू आयतन जी बाय क्यू। ठीक है ना, तो रो इंटू वी का वैल्यू हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब जी बाय क्यू। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करके आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 35 और आज का क्वेश्चन नंबर 4, चित्र 1.37 में 4 बिंदु आवेश 2 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के कोणों पर रखे हैं, वर्ग के केंद्र O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दिशा ज्ञात कीजिए यदि Q बराबर 0.02 माइक्रोकूलम है। एक वर्ग दे रखा है, इसकी भुजा दे रखा है 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे माइनस का 2 माइक्रोकूलम का आवेश है, यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम का है, यहाँ पे प्लस क्यू है, मतलब 2 क्यू है, यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे माइनस का क्यों है, तो कह रहे कि इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। तो सिंपल देखिए किस तरीके से क्वेश्चन करना है, बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चंस और भी डिस्कस करेंगे हम। तो देखिए ये क्वेश्चन है ना, वर्ग दे रखा है ए बी सी डी, माइनस का 2 क्यू, प्लस का 2 क्यू, प्लस का क्यू और माइनस का क्यू, इसके सेंटर ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यहाँ पे प्रत्येक कोण जो है वो 90 डिग्री का है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन को कैसे करना है। देखिए सिंपल सा फंडा है इस क्वेश्चन का, यहाँ पे सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना है कि चारों आवेश के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस किस डायरेक्शन में। सबसे पहले दिखा लेते हैं एकीकरण, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नेगेटिव चार्ज है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी तरफ होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से ई ए इसकी तरफ है, ओ से ए की तरफ है। ठीक है, ऐसे ही प्लस का क्यू है, प्लस की क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाता है तो इसके कारण इस बिंदु पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, इस दिशा में ई डी से दिखा देते हैं इसको। ऐसे ही बी पे प्लस का 2 क्यू चार्ज है तो प्लस का इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इससे दूर जाएगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा ई बी। ठीक, और ऐसे सी पे नेगेटिव चार्ज है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसकी तरफ होगा ई सी। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें चारों इलेक्ट्रिक फील्ड को तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ई बी और ई डी जो है वो एक दूसरे के विपरीत है, ई ए और ई सी जो है वो एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, चलिए
तो सबसे पहले हम निकाल देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सबसे हमें ये देखना होगा कि ए से ओ तक की डिस्टेंस कितनी है, डी से बी तक की डिस्टेंस, बी से सॉरी डी से ओ तक की डिस्टेंस, बी से ओ तक की डिस्टेंस और सी से ओ तक की डिस्टेंस। इसकी भुजा दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो ये इसका विकर्ण हो गया, ठीक ना। विकर्ण जो होता है वो होता है 2√2 भुजा होता है, क्या होता है, √2 भुजा। तो ए ओ विकर्ण का आधा हो जाएगा क्योंकि ये सेंटर पर है। तो ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ डी इक्वल टू हो जाएगा विकर्ण बटे 2, आधा हो जाएगा ना। तो विकर्ण का आधा, ये विकर्ण का फॉर्मूला, तो √2 भुजा पर के विकर्ण का, ठीक ना। तो विकर्ण हो जाएगा √2 इंटू भुजा है आपका 2 सेंटीमीटर, तो बटे 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √2 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो √2 × 10^-2 मीटर। क्लियर है? तो देखिए, ए बी सी डी के कारण ओ पर वैद्युत क्षेत्र क्रमशः कितना है, उसके हम बात करते हैं। ई ए इक्वल टू 1/4 π ε0, ठीक है, क्यू ई के कारण ना माइनस का 2q, माइनस नहीं रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, क्यू अपॉन ओ ए का स्क्वायर, तो इक्वल टू जो 1/4 π ε0 2q/ ओ ए। ओ ए देखिए 2√2, डिस्टेंस इतना ही है सेम है, इसका स्क्वायर करेंगे तो √2 × 10^-2 का स्क्वायर, तो इक्वल टू 1/4 π ε0 दिया जाएगा 2q, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 × 10^-4। क्लियर है? इसका वैल्यू अगर रखते हैं तो यह 9 × 10^9, ठीक ना, इससे इसकी वैल्यू कट जाएगा, तो यह q × 10^9, ये 9 ऊपर जाए सॉरी माइनस का 4 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 4, तो 9q × 10^13 N/C इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऐसे ई भी निकालेंगे तो सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, ई बी बी के कारण बी पे कितना है 2q है, तो यहाँ पे भी सेम इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्योंकि सारी डिस्टेंसेस सेम है, सब कुछ सेम है, तो यहाँ पे भी ये जो 9q × 10^13 N/C इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ऐसे ही डी के कारण या सी के कारण ई सी इक्वल टू जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 π ε0। देखेंगे सी पे क्यू चार्ज रखा है, नेगेटिव क्यू डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, क्यू नेगेटिव में नहीं रखेंगे, क्यू रखेंगे ओनली क्यू अपॉन ओ सी का स्क्वायर, इसका वैल्यू 9 × 10^9 क्यू अपॉन ये हो जाएगा आपका ओ सी, ओ सी डिस्टेंस है √2 × 10^2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, √2 का स्क्वायर 2, तो यह 9 × 2 × 10^9 और माइनस का 2 है, ठीक है ना, प्लस का हो जाएगा तो प्लस का 4 × q, तो 9 इस इसको डिवाइड करेंगे तो 4.5 q × 10^13 कितना जाएगा 13 N/C। और ऐसे ही ई इसी प्रकार देखिए ईडी पे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही होगा, ईडी के कारण उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बस डायरेक्शन क्या होगा चेंज होगा क्योंकि यहाँ पे प्लस का क्यू चार्ज रखा है, तो ईडी के कारण भी इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 4.5 q × 10^13 N/C। अच्छा अब बात करते हैं, सारे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया, ई ए ई बी ई सी और ई डी हमने निकाल दिया। अब ई ए और ई बी जो है एक दूसरे का अपोजिट है, ई बी और ई डी जो है एक दूसरे का अपोजिट है, तो सबसे पहले ई ए और ई सी का रिजल्टन निकालेंगे, फिर ई बी और ई डी का रिजल्टन निकालेंगे, फिर दो रिजल्टन हमें मिलेंगे उन दोनों का, फिर नेट रिजल्टन निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए ई ए व ई सी एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, जब ये एक दूसरे के विपरीत है तो इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ई डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ई डैश ठीक ई डैश हो जाएगा आपका, देखेंगे तो ई ए माइनस ई सी, क्योंकि इन दोनों में बड़ा कौन है, देखिए ई ए का वैल्यू है 9q और ई सी का वैल्यू है 4.5
5q, तो इसका मतलब 9q बड़ा है, तो ई ए में से ई सी को माइनस कर देंगे तो 9q इंटू 10^13 माइनस 4.5q इंटू 10^13। देखिए घाते बराबर हैं तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, घटेगा, तो 9q में से 4.5q घटा देंगे तो 4.5q बचेगा गुणा 10^13 न्यूटन पर कूलम। अब यहाँ पे डायरेक्शन को इंक्लूड कर देते हैं, डायरेक्शन किस दिशा में होगा, इन दोनों का जो रिजल्टन होगा, यहाँ पे ई ए ज़्यादा है इसलिए जो रिजल्टन होगा वो ई ए के डायरेक्शन में होगा, किस डायरेक्शन में होगा, ई ए के डायरेक्शन में, मतलब ओ से ए की तरफ, ओ से ए की ओर, ओ से ए की ओर। अच्छा ऐसी ई बी ब ई डी, ठीक ई डी एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए इसका भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई बी माइनस ई डी, ई बी है हमारा 9q इंटू 10^13 और ई डी है 4.5q इंटू 10^13, घटा देंगे तो यह जगह आपका 4.5 इंटू 10^13 न्यूटन पर कूलम। अब इन दोनों में देखेंगे ई डी और ई बी, इन दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा कौन है, ई बी ज्यादा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, ई बी की डायरेक्शन में, मतलब ओ से डी की तरफ, क्या जाएगा, ओ से डी की तरफ, ओ से डी की ओर, क्लियर है। अब देखिए यहां पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड बचा हमारा ई डैश और ई डबल डैश, तो ई डैश और ई डबल डैश का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो उसके लिए देखिए एक डायग्राम बनाते हैं हम अगेन। देखिए ई ए के डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचा यहां पे, तो ये हमारा सेंटर हो गया ओ, तो इस दिशा में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बचा ई डैश, ठीक है, और बी के डायरेक्शन में एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचा हमारा ई डबल डैश, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, और ई डैश और ई डबल डैश एक दूसरे से 90 की डिग्री पर है, तो यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो जाएगा, ठीक ना, वो इसके बीच से जाएगा, क्योंकि ई डैश और ई डबल डैश दोनों आपस में क्या है, बराबर है। यहां पे देखेंगे इनका वैल्यू जो है, इसका वैल्यू भी 4.5q है, इसका वैल्यू भी 4.5q है, दोनों का वैल्यू बराबर है, तो इसलिए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच में से जाएगा, तो ये 45, ये भी हमारा 45, क्लियर। अब ये 45, ये 45, तो यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जाएगा, देखिए दो कंपोनेंट करेंगे इसका, कंपोनेंट करके भी कर सकते हैं, डायरेक्टली भी कर सकते हैं, या डायरेक्टली ई डैश व ई डबल डैश का नेट वैद्युत क्षेत्र ये हो जाएगा। देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 11th में, आर इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक ना, नेट रिजल्टन मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, तो E इक्वल टू जाएगा यहाँ पे रूट ऑफ E डैश का स्क्वायर प्लस E डबल डैश का स्क्वायर प्लस 2 E डैश इंटू E डबल डैश इंटू cos 90। ऐसे भी कर सकते हैं, रिजल्टन निकाल के भी कर सकते हैं, दो कंपोनेंट में, ये वाला साइन कंपोनेंट, ये भी साइन कंपोनेंट, ये कॉस कंपोनेंट, साइन कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस कंपोनेंट बचेगा यहाँ पे, इस तरीके से भी कर सकते हैं। कॉस 90 होता है जीरो, तो ये वाला पूरा टर्म्स हो जाएगा जीरो, तो ये रूट ऑफ ई वन का स्क्वायर प्लस ई डबल डैश का स्क्वायर, चूंकि ई डैश इक्वल टू है ई डबल डैश, ये दोनों आपस में बराबर है, पीछे मैंने आपको बताया, जब ये दोनों आपस में बराबर है तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो रूट टू ई डैश के बराबर हो जाएगा, रूट टू 1.1414, ई डैश, ई डैश का वैल्यू है 4.5 क्यू इंटू 10^13, तो यह 4.5 इंटू क्यू, देखिए क्यू का वैल्यू दे रखा है 0.26 कूलम, माइक्रो कूलम दिया जाएगा, 0.02 इंटू 10^-6 इंटू 10^13, 10^13, क्वेश्चन बहुत लंबा है, ठीक ना, तो बने रहिए,
तो 1.414 दो की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 दूना 90 इंटू यह जाएगा 90, 1 2 3, 1 2 3 इसके बाद दशमलव जाएगा, गुणा 10 की घात कितना जाएगा 7, 13 में से 6 कटेगा कितना बचेगा 7, 9 की इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 चौक 36 का 6 ऐसे लगा, 3 9 एकम 9 और 3 12 ऐसे लगा, 1 9 चौक 36, 36 और 1 37 और 9 एकम 9 और 3 हो जाएगा आपका 12, 1 2 3 4 0 भी आ जाएगा यहाँ पे क्योंकि 90 है, 0 हो जाएगा, 1 2 3, 1 2 3, 3 और 3 कितना 6, 1 2 3 4 5 6, 3 और 3 6, तो यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, गुणा 10 की घात 7, तो 0.1 सॉरी दशमलव को उठा के यहाँ पे ले आता हूँ, तो 1.27260 गुणा 10 की घात 6, तो इसको हम लिख सकता हूँ 1.3 या 2.7 भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, 3 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम। डायरेक्शन दिशा की अगर बात करेंगे तो दिशा जो है वो बी से ए की ओर, कहा जाएगा दिशा जो है बी से ए की ओर, क्योंकि यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो इस डायरेक्शन में बनेगा, इधर जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट, तो यहाँ पे बी से ए की तरफ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकालना है। तो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, लेकिन अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन को एक दो बार आप रिपीट करके जरूर देखिए, ठीक ना, और इस तरीके के और भी क्वेश्चंस कराएंगे तो वहां पे आपको और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36, इसके जैसे क्वेश्चन हमने पहले भी कर चुके हैं तो आप इसको खुद करेंगे, मैं आपको बस थोड़ा सा हिंट देता हूँ। दो बिंदु आवेश क्यू इक्वल टू 0.2 माइक्रो कूलम सॉरी कूलम तथा क्यू टू इक्वल टू 0.4 कूलम एक दूसरे से 0.1 मीटर की दूरी पर रखे हैं, वैद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए दोनों आवेशों के मध्य बिंदु पर, मध्य बिंदु पर दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, जब दोनों पॉजिटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जगह यहाँ पे घट जाएगा, और क्यू वन क्यू टू को जोड़ने वाली रेखा पर स्थित उस बिंदु पर जो Q2 से 0.5 मीटर की दूरी पर और Q1 से 0.15 मीटर की दूरी पर है, इसका डायग्राम बना के देता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो इसका डायग्राम सिंपल तरीके से बनेगा, देखिए सेकंड पार्ट का इसका ना डायग्राम कैसे बनेगा, तो इसका डायग्राम बनेगा ये Q1 है, ये Q2 है, इनकी बीच की दूरी 0.1 मीटर है, करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है Q1 से 0.5, 0.5 यहाँ पे आते हैं तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस भी 0.05 ही होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है बी पॉइंट जो है इनके बीच में नहीं होगा, इससे बाहर होगा, कहाँ होगा Q1 से इस डायरेक्शन में, यहाँ पे एक बिंदु है P, इसकी दूरी Q1 से कितना है 0.05, जब ये 0.05 है तो Q2 से डिस्टेंस जाएगा 0.1 प्लस 0.05, तो इक्वल टू 0.15, तो इतने डिस्टेंस यहाँ पे, तो इस बिंदु पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये पॉजिटिव चार्ज है ये भी पॉजिटिव चार्ज, दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बाहर की तरफ होगा, तो E1 भी इसी डायरेक्शन में होगा और E2 भी इसी डायरेक्शन में होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E1 प्लस E2। अब फॉर्मूला लगा देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का और दोनों का आपस में जोड़ देंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस कीजिए, जो भी आंसर आता है वो हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताना कि सर इसका आंसर इतना है, ठीक है। चलिए देखते हैं अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, ये भी आप प्रैक्टिस करेंगे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। दो आवेश माइनस का दो माइक्रोकूलम प्लस का दो माइक्रोकूलम और माइनस का दो माइक्रोकूलम 10⁻²⁰ मीटर की दूरी पर स्थित है, इनके द्वारा निर्मित वैद्युत विद्युत के लिए ज्ञात कीजिए, क्योंकि दोनों अपोजिट चार्जेस है, सेम मैग्नीट्यूड के हैं, कुछ डिस्टेंस पर है, डायपोल बनाएगा और डायपोल का वैद्युत विद्युत आघूर्ण निकालना है, विद्युत आघूर्ण का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू क्यू इंटू 2L, ठीक है। 2L डिस्टेंस दे रखा हमारे पास कितना 0.2 मीटर, और Q का परिमाण हो जाएगा 2 × 10⁻⁶ − 6 × 10⁻⁶ − 2, तो क्या जाएगा 2 × 10⁻⁶ − 8 कूलम मीटर, ये तो जाएगा P सिंपल। और कह रहे कि द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से 0.30 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु P पर निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, तो निरक्षीय स्थिति पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला होता है E = 1/4πε₀P/r² इसका वैल्यू जो है 9 × 10⁻⁹ 9 × P 2 × 10⁻⁸ − 8 डिवाइडेड बाय दूरी है 0.30, मतलब 0.3 ले सकते हैं,
0.3 का क्यूब होगा ये डिस्टेंस, क्या जाएगा क्यूब होगा, फॉर्मूला क्यूब होता है, स्क्वायर नहीं। 9 × 18 बटे ठीक ना, 3 का क्यूब हो जाएगा, 3 × 9 = 27, कितना दशमलव होगा 3 स्थान बाद, 1, 2, 3 गुणा 10 की घात, देखिए माइनस का 8 और प्लस का 9, तो प्लस का 1 बचेगा, ठीक है क्लियर है। अब इसको दशमलव को हटा देते हैं यहाँ से, तो ऊपर आ जाएगा 3 0, तो 18/27 गुणा 10 की घात 4, क्योंकि 3 0 आ जाएगा माइनस का, ऊपर जाएगा प्लस का, तो 1 और 3 कितना जाएगा 4, 9 से काट देंगे तो यह जाएगा 9 × 18 = 9, 3 = 27, 2/3 गुणा 10 की घात 4 क्लियर है। अब कह रहे कि अगर डायपोल को हम क्या करते हैं, ये जो हमारे डायपोल हैं वैद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमाने पर उसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। देखिए कंडीशन क्या था, मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। पहले इस तरीके से डायपोल रखा, यहाँ पे ये प्लस का 2 μC है, यहाँ पे माइनस का 2 μC है, यहाँ पे निरक्षित स्थिति पर यहाँ पे एक बिंदु आवेश दे रखा है, कितने सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, कितना 30 सेंटीमीटर है ना, हाँ 30 सेंटीमीटर में है, 30 सेंटीमीटर है। अब कह रहे कि इसको ये इस तरीके से रखा था, इस तरीके से रखा था, इसको इस तरीके से घुमा देते हैं 90 डिग्री, जब इसको घुमा देंगे 90 डिग्री तो यहाँ पे डायपोल बनेगा, इस तरीके से डायपोल हो जाएगा, इसका ओरिएंटेशन हो जाएगा, इस तरीके से अगर घुमाएंगे तो यहाँ पे हमारा प्लस का 2 μC, यहाँ पे जाएगा माइनस का 2 μC, लेकिन इसकी दूरी अभी भी इसके सेंटर से कितना होगा, 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ही होगा, डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। तो अक्षीय स्थिति पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E = 1/4πε₀2π/r³। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 1/4πε₀p/r³, यहाँ पे है 2p, मतलब इसको अगर E1 से रिप्रेजेंट करता हूँ, इसको अगर E2 से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो हमें पता है कि E2 जो है वो ट्वाइस होगा किसके, E1 के, जब E1 के ट्वाइस होगा तो 2 × 2/3, तो 4/3 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, ठीक ना। तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड अक्षीय स्थिति पर भी होगा, ये हमारा अक्षीय स्थिति हो जाएगा और ये वाला स्थिति जो हमारा निरक्षीय हो जाएगा। तो ये आंसर देख सकते हैं 2/3 × 10⁴ और 4/3 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक ना। इसमें हमने करीब 5 न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, अलग अलग टॉपिक के न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों से शेयर जरूर कर देना। और हाँ, कुछ ही दिन में आपके लिए मैं SVPD और नूतन के PDFs लाने वाला हूँ, तो अगर आपको PDF चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जाके बोल देना कि सर PDF चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो भी आप बोल देना। अगर कोई डाउट्स है, कुछ पूछना है, अगर कुछ क्वेश्चंस आपको करवाने हैं इस चैप्टर्स के, तो आप हमें बुक्स के फ़ोटो खींच के आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।